हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हमने ये ड्रेस बनाई है और ये हमने बहुत ही कम कपड़े से बनाई है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, जिसमें मैंने नीचे भी हल्की सी फ्रिल दी है और स्लीव्स पे भी फ्रिल दी हैं। तो आप देख सकती हैं इसका पूरा लुक। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जिसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसी 1.5 मीटर फैब्रिक में से मैं बहुत ही प्यारी एक कुर्ती बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो जो ये कपड़ा है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटा कपड़ा है जो कि सर्दियों में भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से अपने टॉप पार्ट के लिए कपड़े को इस तरीके से रख के 4 फोल्ड में बिछा देंगे। देखिए ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे 4 फोल्ड में कर देंगे ऐसे। और इसकी जो लेंथ है वो देखिए आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, मतलब कि जितना थोड़ा, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये हाइट के हिसाब से लिया जाता है। तो मैं इसकी जो लेंथ है वो 15 के बीच में रखूँगी। अब यहाँ से मैं 15 इंच पे निशान लगा दूँगी। 14 इंच की तैयार रहेगी, जिसमें मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे कपड़े को बराबर करके। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे हम स्लीव्स और घेरे के लिए रख लेंगे, क्योंकि अभी स्लीव्स भी निकालनी है और ये टॉप पार्ट हमारा निकल गया है। अब उसके बाद देख लेंगे, 4 फोल्ड में है मेरा कपड़ा और कपड़े की उल्टी वाली साइड से हम निशान लगा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ से हम अपना, इसमें हम बॉटनेक बनाएंगे तो गले के लिए आप पहले तीरा ही ले लें। तो मैं यहाँ से पहले तीरा ले रही हूँ 7 इंच पे, और आर्म होल के लिए भी मैं 7 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से मैं छाती का चौथा हिस्सा, 36 है तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा, तो मैं 11 इंच ले रही हूँ यहाँ से। आपको भी ऐसे ही लेना है। कमर का भी चौथा हिस्सा, कमर है 28 का 7 में 2 इंच एक्स्ट्रा, तो मैं ऐसे 9 इंच ले रही हूँ। और ऐसे मिला के, कपड़ा थोड़ा सा डार्क है तो इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आपको चौक, तो मैं इसलिए आपको अच्छे से समझा रही हूँ। कमर का भी चौथा हिस्सा और अपनी ब्रेस्ट का भी चौथा हिस्सा, यानी कि छाती का। और अब जैसे जैसे ड्राफ्टिंग की है सेम उसी तरीके से इसकी हम कटिंग कर देंगे। गोलाई के हिसाब से तो हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे बैक और फ्रंट के लिए। अब यहाँ से हल्का सा तीरा डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब हमारे पास 2 पार्ट आ गए हैं। अच्छे से यहाँ से भी थोड़ी सी और शेप दे देंगे ऐसे। अब देखिए ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम बिछाएंगे तिरछा करके। वो किस तरीके से, देखिए जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, हल्का सा तिरछा करके इसको बिछाना होता है, एक कोना उठा के दूसरे कोने पे रख के। जैसे मैं धोती सलवार के लिए बिछाती हूँ, यहाँ से थोड़ी सी वीडियो शूट नहीं हो पाई उसके लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ से हम इससे थोड़ा सा कम लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये वाला कपड़ा है इसकी हम इसमें प्लेट डालेंगे तो छोटी छोटी, तो इसीलिए मैं इसको 1 इंच कम ले रही हूँ। और इसी को रख के हम कमर का निशान लगा लेंगे, नाप लेंगे ऊपर से, 10-10 इंच होना चाहिए दोनों साइड से ही इस तरीके से। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे और फिर हमारे पास जितनी भी लेंथ है उतनी हम लेंथ लेके और नीचे फ्रिल लगाएंगे इसमें 8 इंच की, उससे इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो लेंथ आ रही है इसकी वो हमारे पास 22 इंच आ रही है, तो हम 22 इंच पे ऐसे पूरे में ऐसे निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद इसमें हम अच्छे से एक राउंड शेप बना लेंगे। तो देखिए मैंने राउंड शेप बना ली है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे सेम इसी तरीके से। ऐसे मैंने करीबन
15-20 मीटर डाल रखी हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो देखिए मैंने ये इस तरीके से शेप दे दी है। अब मेरा ये टॉप पार्ट भी कट के तैयार है। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, अलग अलग पार्ट में इसको हम खोल देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स आप अपने हिसाब से पहले फ्रिल के लिए निकाल लेते हैं। तो इसमें मैं 8 इंच की फ्रिल लगाऊंगी, जिसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो कि हमारा फोल्ड होगा। अब हम 9-9 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे एकदम स्ट्रेट। तो ऐसी मुझे 2 पट्टियाँ चाहिए दोनों पीस के लिए, और इस पट्टी की चौड़ाई मैं 1.5 मीटर ले रही हूँ। तो वो मैंने कट कर ली हैं। अब उसके बाद अब हम बाजू कट करेंगे। तो हम 9 इंच बाजू की चौड़ाई ले रहे हैं, और जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 12 इंच। और यहाँ से खुली वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगा के और गोलाई दे देंगे इसमें ऐसे, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम गला बनाएंगे इसमें बुकरम पे। तो ये बुकरम ले ली है, बुकरम को 4 फोल्ड में बिछा लिया, दोनों गले एक साथ ही निकालेंगे। बॉट नेक बना रहे हैं, तो चौड़ाई हम रख रहे हैं इसमें 4 इंच, और लंबाई हम इसमें ले रहे हैं 5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं, आप 4.5 तक भी रख सकती हैं, लेकिन 4.5 में थोड़ा सा छोटा हो जाता है 4.5 में। और हम यहाँ से 4 इंच पे ऐसे और एक और निशान लगा के ऐसे शेप दे के, और इसकी 1-1 इंच का मार्जिन रख के इसकी हम अब कटिंग कर देंगे। अब इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने कपड़े को ऊपर सिल लिया है, सेंटर कर लिया है कुर्ती का और गले का, सिलाई लगा ली है। कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। कपड़े कट करके अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है पूरे को, देखिए। अब इसमें हम पहले प्लेटों के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये मैं 5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, 6 इंच यहाँ से चौड़ाई ले ली है। दूसरी साइड भी सेम लगा के प्लेटों को पतली पतली डाल देंगे, आधा आधा इंच के बराबर। अब देखिए दोनों प्लेटों को डाल दिया है पतला पतला हमने। अब हम इसमें अपना नीचे का ये जो घेरा है इसको जोड़ देंगे इस तरीके से, रख के सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा बराबर ही है, आप देख सकती हैं, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, बिल्कुल बराबर है। अगर इस तरीके से फिटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है हमारी कुर्ती की। तो देखिए इसको हमने जोड़ दिया है, एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे, जिससे थोड़ा सा और मजबूत हो जाए। और जो स्लीव्स है उसको मुझे ऐसे ही नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही तैयार कर लेना है, वो मैं आपको नीचे का घेरा बताऊँगी। अब देखिए नीचे के घेरे के लिए मैंने नीचे का बॉटम होता है उसको फोल्ड कर लिया है। अब जैसे मैं इसमें फ्रिल डालूंगी ऐसे ही सेम मुझे अपनी स्लीव्स में भी डालनी है। अब पतली पतली सी हम करीबन 1-1, 2-2 इंच की दूरी से डाल देंगे, देखिए ऐसे। थोड़ी थोड़ी दूरी से भी आप 3-3 इंच की दूरी से भी डाल सकती हैं, क्योंकि इससे सिर्फ लुक आता है अच्छा। ऐसे पूरे ही दोनों घेरों में डालनी, यानी कि बैक में भी और फ्रंट में भी। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे, जिससे फ्रिल मजबूत हो जाए। तो हमने दोनों साइड को, ये इस साइड भी और दूसरे पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों का तीरा जॉइंट कर देंगे। देखिए स्लीव्स को नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही तैयार किया है और हर स्लीव्स की तरह लगा लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।